हेलो स्टूडेंट, स्वागत है और फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स एंड ग्रामर में। मैं अरविंद कुमार, मैं आप लोगों को इसमें क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें से चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय बताने जा रहा हूं। ये है एक्सरसाइज 8.4 जो कि लास्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 भी लास्ट है और मेरा एक क्वेश्चन भी आज लास्ट है, यानी कि 10वां बताने जा रहा हूं। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसको उसके बारे में बताऊंगा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित सब संख्याएं सिद्ध कीजिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दिखाना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1+tan² a अपॉन 1+cot² a है, इक्वल क्या सिद्ध करना, 1-tan a अपॉन 1-cot² a का होल स्क्वायर। लेकिन पॉइंट वाला बात क्या है, इसके पहले कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया गया, राइट हैंड साइड मिल जाता था, लेकिन लास्ट का कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया जिसमें लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि उस क्वेश्चन आसान होता है। तो लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान विधि, सबसे आसान विधि उसको बताने जा रहा हूँ। आसान विधि एक, दोनों साइड आप दिखा दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर दो और राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, बराबर दिखाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हल में मैं उठा रहा हूँ क्या, लेफ्ट हैंड साइड उठा रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड का मैं सॉल्व फिर से नहीं लिखूंगा। इसमें करना क्या है, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड आपके ऊपर में है, यानी कि 1+ ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ 1 अपान का चिन्ह लगा दो, 1+tan² a होता क्या, यानी कि tan a बराबर साइन a अपान cos a होता है, लेकिन स्क्वायर होने के नाते मैं क्या लिखूंगा, sin² a अपान cos² a ओके। वैसे ही नीचे 1+cot a बराबर क्या होता है, इसी का ठीक अपोजिट, cos a अपान साइन a, स्क्वायर होने के नाते cos² a अपान sin² a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके नीचे एक करो, इसके नीचे एक करो, आपको मालूम होना चाहिए ये कि क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 1 cos² a का क्या होगा, cos² a ही एलसीएम होगा। अब एक से इसमें भाग देते हैं, भाग देंगे तो cos² a मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके ऊपर करते हैं तो cos² a, यानी कि जिसको फ्रैक्शन अगर आपको सॉल्व करने आता होगा, एड सब्ट्रैक्शन तो आपको मालूम होगा सिस्टम। फिर आगे प्लस करके क्या करते हैं, इस बार cos² a से भाग देना, cos² a में जिसका आंसर है 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई sin² में तो होगा, तो sin² a ही मिलेगा ओके। ऐसे ही सेम टू सेम नीचे एलसीएम लेंगे तो मिलेगा sin² a, और फिर वही प्रक्रिया, इसे भाग देंगे मिलेगा sin² a, इसके ऊपर मल्टीप्लाई के अंश में गुणा करेंगे तो वही मिलेगा, यानी कि sin² a प्लस sin² a से इस बार आप क्या करेंगे, इसे भाग देंगे कट जाएगा, क्योंकि सेम सेम है, 1 मिलेगा, 1 का cos² में मल्टीप्लाई क्या होगा, cos² a ठीक है। अब इसमें क्या प्रक्रिया है, यहाँ पर देखेंगे इक्वल करके, इसको मैं बेन बटा ए है, इसको भाग का चिन्ह बना देंगे, क्या बना देंगे, भाग का चिन्ह। इसको मैं लिख दे रहा हूँ cos² a प्लस sin² a ठीक है, इसके जगह पर हम 1 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 1 फार्मूले है तो कह दी 1 ही लिख देते हैं, क्योंकि कटेगा काट दीजिए, या इसके जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि 1 अपान, हमने इसके जगह 1 लिख दिया है, cos² a लिख दिया ठीक है। अब जो मेन बटा इसके जगह मैं भाग लिख रहा हूँ, अब फिर यहाँ भी आ गया sin² a + cos² a, फिर इसका क्या होता है, 1 होता है, और फिर sin² a हो गया ठीक है। अब आपको मालूम होगा भिन्नों के मल्टीप्लाई में या डिवाइड में क्या करते हैं, भाग को क्या करते हैं, गुणा बनाते हैं, लेकिन पहला वाला वही रहता है 1 अपान cos² a, और भाग के चिन्ह को क्या बनाते हैं, गुणा, गुणा बनाने से परिवर्तन क्या होता है, ये sin² a ऊपर चला जाता है और 1 नीचे चला आता है, तो कुल मिला के 1 1 मीन्स कुछ नहीं, आपको मिला क्या, sin² a अपान cos² a जो कि होता है tan² ये भी होता है ठीक है। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तब tan² a आया, वैसे राइट हैंड साइड भी हम सॉल्व कर देंगे, आपको मिलना क्या चाहिए, tan² a, तो प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो अब उठाते हैं हम क्या, राइट हैंड साइड उठाते हैं, तो राइट हैंड साइड पर फिर से लिख रहा हूँ कि 1 माइनस, इसके ठीक सामने होना चाहिए इक्वल, 1 माइनस tan a अपान 1 माइनस cot ए, यहाँ पर दोनों जगह माइनस है लेकिन होल स्क्वायर है, इसमें क्या था, दोनों जगह प्लस था, तो वैसे सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे ठीक है। 1 माइनस tan a का क्या होता है, sin a अपान cos a होता है, लेकिन इस बार स्क्वायर नहीं है, वैसे यहाँ पे 1 माइनस
कॉस ए ऊपर जाएगा और साइन ए नीचे होता है, सेम प्रक्रिया हुई है। अपान वन करेंगे अपान वन इस बार, लेकिन स्क्वायर भर नहीं है, ठीक है। तो फिर एलसीएम लेंगे तो कॉस ए होगा, ठीक है, एक से भाग देंगे तो कॉस ए होता है, और फिर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, कॉस ए ही होगा माइनस, ठीक है, पीछे माइनस कॉस, कॉस से भाग देंगे वन, और फिर वन साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए ही होगा। सेम मैटर यहाँ भी है, एलसीएम लिया तो साइन ए अपान एक से भाग दिया साइन ए, साइन ए का एक में मल्टीप्लाई तो साइन ए होगा, माइनस साइन, साइन से भाग देगा वन मिलेगा, वन का कॉस ए में गुणा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार कटने वाला मैटर नहीं, यहाँ पर नहीं कटने, यहाँ फार्मूला यूज होगा तो यहाँ फार्मूला यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कॉस ए है साइन है, यहाँ पर साइन है कॉस है, हमको किसी तरीके दोनों अगर सेम बना ले जाते हैं तो कट जाएगा, तो साइन इसमें क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन देखिए लेते। अब एक काम और करते हैं, और क्या है कि भाग को हम बटा को भाग का चिन्ह बना लेते हैं, इससे सवाल क्या हो जाएगा जल्दी में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉमन ले ले रहा हूँ, अच्छा मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर भी, देखिए इस क्वेश्चन में है तो ये भी ध्यान रखना है, इसका क्या है सबका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर ही सॉल्व करते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है हुआ। अब चाहे इसमें कॉमन ले चाहे इसमें कॉमन ले, दोनों में एक कॉमन लेके आपको क्या करना है इसको इक्वल करना है, इसको हम बड़ा बना देते हैं और फिर इसको छोटा बना देते हैं। इसमें फिर हम क्या करेंगे माइनस गुणा का भाग का चिन्ह बना दीजिए, क्या बनाएंगे भाग का चिन्ह, क्योंकि बटा क्या होता है भाग का चिन्ह होता है, और फिर भाग का चिन्ह बनाने से यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ माइनस को, क्यों ताकि दोनों सेम सेम हो जाए। अब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस वाले किसी में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए, लेकिन ये साइन ए वाला किसमें हो जाएगा माइनस में साइन ए, ठीक है, अपान ये आपका साइन ए वही रहेगा। तो स्टूडेंट जगह कम पड़ गया, मैं इरेज करके यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट देखिए हमने जगह बना लिया है, अब यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए बड़ा ब्रैकेट बना देंगे, इक्वल का चिन्ह लगा दीजिए बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, और फिर इसमें क्या लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए ओके अपान कॉस ए वही रहेगा। लेकिन अब मैं भाग के चिन्ह को क्या बनाने जा रहा हूँ गुणा का बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप होल स्क्वायर कर दीजिए, गुणा बनाने से परिवर्तन क्या होगा साइन ए ऊपर जाएगा और नीचे जो है माइनस कॉमन वाला माइनस साइन लिख सकते हैं, ये नीचे आएगा कॉस ए माइनस साइन ए नीचे आया, ठीक है। अब ये दोनों सेम सेम हो गया, ये मल्टीप्लाई में काटा जा सकता है, तो अब आपके यहाँ पर होल स्क्वायर जरूर करेंगे, फिर इक्वल का चिन्ह लगाओ, फिर बड़ा इसको बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए, ब्रैकेट के अंदर बच्चा के यहाँ पर देखेंगे साइन ए, और यहाँ पर है माइनस भी चिन्ह है, ठीक है, माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है। अब हम जब दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर का मतलब कि अलग अलग भी हम कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ पर माइनस हटा दे रहा हूँ, क्यों हटा देंगे क्योंकि माइनस का जो वर्ग होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो देखिए ये माइनस हट गया ओके। अब यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है, हमने क्या लाया था यहाँ पर देखिए रेज कर दिया, जिसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था वो भी टेन स्क्वायर ए ही लाया था, और राइट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो उसका भी टेन स्क्वायर ए आया, यानी कि हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूफ लिख दीजिए सिद्धम लिख दीजिए जो आपकी मर्जी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल को समझने के लिए फार्मूला बहुत ही मस्ट है, आपको याद रखना, अगर फार्मूला नहीं याद है तो सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये चैप्टर मैं खत्म कर दिया हूँ, इसमें से लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना था त्रिकोणमिति का परिचय मतलब सब बताया हूँ, अब मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उस पर आऊँगा। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो में भेजूँ तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।